नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। भाई इज माय टिप में एक बड़ी सी खबर आ गई है। बड़ी सी खबर क्या, सीधा सीधा कह लें खुशखबरी आ गई है। जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ आ गया है। रिजल्ट डेट 7 अगस्त 2024 का यहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है। और जस्ट ये देखिए, अभी मार्केट तो ओपन भी नहीं हुआ, 9:14 ही हो रहा है। और ये अपडेट कब का आया है, 9:07 का आया। मतलब 7 मिनट के अंदर अंदर ये अपडेट आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। हालांकि अपडेट देते देते तो मार्केट ओपन हो जाएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, रिजल्ट है, ठीक है ना। अब देखिए, जस्ट अभी अभी कंपनी ने अनाउंस किया है अपना रिजल्ट। और ये रिजल्ट कब है तो इसका यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डाटा। देखिए अभी प्री ओपनिंग सेशन भी है, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर आज का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे तो शो ही नहीं कर रहा है, छोड़िए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपडेट आ चुका है। कंपनी ने अपने बोर्ड डायरेक्टर की एक मीटिंग शेड्यूल की है। यहाँ पे देखिए बोर्ड डायरेक्टर की एक जो है मीटिंग को कंपनी ने शेड्यूल किया है। और इसमें कंपनी कह रही है कि हम जो है अपना ऑन ऑडिटेड स्टैंड लोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट घोषित करने वाले हैं। साथ में डिविडेंड डिविडेंड तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, देती ही नहीं है लगता है मुझे कंपनी। इनसाइडर ट्रेडिंग का पहले से क्लोज था, जो कि अब रिजल्ट आने के 48 घंटे के बाद जो है ओपन हो जाएगा। रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आएगा ट्यूजडे को, 13 अगस्त 2024 को। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे और एक बात रखिए आप लोग याद, कि ये 12:30 के आसपास ये अपडेट आएगा, 12:30 के आसपास दोपहर में। तो सबसे पहले आप लोगों को अपडेट मैं दूंगा, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 12:30 के आसपास, 12:30 के आसपास हो सकता है, एक समझ लीजिए, तो 12:30 से 1 बजे के आसपास इनका रिजल्ट आने वाला है, 13 अगस्त 2024 को। आज से अगर हम लोग ट्रेडिंग देखेंगे सेशन, तो आज के लेके 3 इस हफ्ते में हो गया, और 2 तो 5 ट्रेडिंग सेशन आगे का इन्होंने अपना रिजल्ट डेट अनाउंस किया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एनएससी तो भाई अभी दिखा भी नहीं रहा, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। मीटिंग में अगर हम लोग जाएंगे तो हो सकता है, हाँ मीटिंग में दिखा रहा है। मीटिंग में देखिए यहाँ पे 7:00, ये तो 9 मिनट दिखा रहा है, देखिए 7:09 दिखा रहा है। 7 अगस्त को, 13 अगस्त को इनका जो है मीटिंग है, और केवल फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है, फंड रेसिंग या फिर अदर बिजनेस कुछ भी नहीं है, डिविडेंड विडेंड कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सीधा समझिए, चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे भाई सस्टेन किया। अब तो इसका रिजल्ट आएगा तो वहीं सब कुछ डिसाइड होगा वहीं पे। जो 40 रुपये का सपोर्ट आप लोगों को बताया था, उसको ब्रेक किया नीचे की साइड में, सस्टेन भी किया, कैंडल क्लोज भी किया। लेकिन मैं आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों का लॉन्ग टर्म का व्यू है, थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम का व्यू है, शॉर्ट टर्म का भी व्यू है, आपको 3 महीने मान के चलिए या उसके अबव, तो आप इसमें एक रिस्क ले सकते हैं। अगर आप में दम है तो 37 साढ़े 37 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें फॉलो करिए। सीधा सीधा ये रिसेंट का लो जो बना है यहाँ पे, जो कई बार लो बना है, इसी लो के नीचे का आप लोग एक डेली कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए और रिजल्ट पे रिस्क लेके आप लोग इसमें एक खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ से इसमें एक बड़ी सी तेजी आने की संभावना बन सकती है, अगर रिजल्ट बढ़िया आया तो। 40 के ऊपर ऊपर है तो, 40 के ऊपर है तो तेजी मान के चलिए, 40 के नीचे है तो फिर थोड़ा सा वीकनेस मान के चलिए। हालांकि जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 37.5 रुपये के नीचे का ही रहेगा। पहला इसका रेजिस्टेंस एक हम लोगों को फेस करना पड़ेगा, जो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो कितना ज़बरदस्त था, पहले से ही मैं बताया था, उस पर कई बार सपोर्ट लिया, ब्रेक किया तो कई बार उसको रेजिस्टेंस लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, 43 रुपये का लेवल। और ये लेवल पहले से बताया हूँ, तो देखेंगे ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर एक बड़ी तेजी आने की संभावना बनेगी। फिर 50 रुपये और 56 रुपये, दो टारगेट के लिए ये ऊपर की साइड में जा सकता है। देखिए मेरा व्यू क्लियर है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोग इसमें खरीदारी मत करिएगा, 1 हफ्ते 1 महीने वाली खरीदारी के लिए दिक्कत हो जाएगा। बाकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए तो आप लोग बिल्कुल इसको खरीदिए, और 1 साल के लिए होल्ड करेंगे अगर आप लोग, तो बढ़िया सा टारगेट आप लोगों को मिल सकता है। एक मोमेंटम तो मिलेगा ही मिलेगा, भले ही बहुत बड़ा टारगेट ना मिले, तो देख लीजिएगा। आज 2% का गैप है ओपनिंग 20 में देखने के लिए मिला है, तो देखेंगे आगे बात करेंगे। इस शेयर के मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता हूँ, बस आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, थोड़ा सा वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, फिर आगे हम लोग बात करते रहेंगे। हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो वीडियो बनाऊँगा ही बनाऊँगा, डेली वीडियो अब हो सकता है कि ना बने, लाइक करिए।